नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं 150 गांव के 150 खबरें। समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय में प्रखंड प्रमुख निर्मला किशोर के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। प्रखंड प्रमुख आंगनबाड़ी केंद्र में हो रही बहाली के लिए किए गए आवेदन की जांच की, जिसमें आवेदकों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के पर्यवेक्षक के पास किए गए आवेदन की मांग की गई। जांच के दौरान आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने और बहाने बनाने को लेकर सीडीपीओ से बहाली में मनमानी करने वाले एलएस के खिलाफ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सराय रंजन प्रखंड के बरहेता स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में विद्यालय के शिक्षक सोनेलाल राम की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि प्रखंड साधन सेवी नवीन कुमार ठाकुर ने कहा कि सोनेलाल ने अनुशासित शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सराय रंजन प्रखंड के गंगापुर गांव में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इस अभियान में पूर्व विधायक, पूर्व जिला परिषद प्रखंड अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सराय रंजन प्रखंड के मध्य विद्यालय में महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित कठपुतली नाटक मंच का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि चंपारण सत्याग्रह शताब्दी में 2 अक्टूबर 1869 से 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में प्रार्थना के लिए जाते समय हत्या हुई थी। वहीं नाटक से लोगों को प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। खबर मधेपुरा से है। जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धुरखेली राम के घर की छापेमारी की, जिसके दौरान पुलिस ने 171 पीस नेपाली शराब बरामद करके सफलता हासिल की। मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज थाना के NH-106 पर तेज रफ्तार से जा रही एक सुमो वैन पलट जाने से कई लोग घायल हो गए। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। मधुवना पंचायत में जेडीयू विधायक निरंजन मेहता से एक मिथिलेश कुमार नाम के शख्स ने अपनी बीमारी से परेशान होकर लगाई मदद की गुहार, लेकिन विधायक ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। मधेपुरा जिले के घेलार थाना क्षेत्र में 114वीं भूपेंद्र नारायण जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां स्थानीय शिक्षक और समाज सेवियों ने दीप जलाकर बाबू भूपेंद्र नारायण की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और उन्हें याद किया। मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र में श्रवण कुमार नाम के युवक की कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी। दरअसल पिछले कई सालों से युवक ट्रैक्टर चलाता था। मधेपुरा के चौसा प्रखंड में प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर बच्चों से अवैध उगाही की जा रही है। बच्चों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक नंबर बढ़ाने के नाम पर खुलेआम पैसे मांग रहे हैं। पैसे नहीं देने पर फेल करने की धमकी दी जा रही है। उगाही का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, लेकिन प्राचार्य इसे उन्हें बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज अनुमंडल के चौसा प्रखंड में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर सालों से तैयार है, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं किया गया है। सालों से बने इस कॉलेज का रखरखाव भी नहीं किया जा रहा है, जिससे ये अब खंडहर में तब्दील होने लगा है। स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार से इस कॉलेज को चालू कराने की मांग की है। मधेपुरा जिले के पुरानी थाना क्षेत्र में सालों पहले बना पुल ध्वस्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने ध्वस्त पुल का निर्माण कराने की मांग की है। खबर पूर्णिया से है। रुपौली प्रखंड रघुवंश नगर ओपी प्रभारी श्याम कुमार मेहता ने चेकिंग के दौरान 8 लीटर अवैध शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी जयप्रकाश मंडल बेला पेमू गांव में रहने वाले सुंदर मंडल का बेटा है। पूर्णिया रुपौली प्रखंड के टीकापट्टी गांव के स्वतंत्रता सेनानी नागेश्वर मंडल का निधन उनके निवास स्थान टीकापट्टी में हो गया। नागेश्वर बाबू 1942 में रुपौली थाने को जलाने से लेकर आजादी तक अहम भूमिका में रहे। पूर्णिया धमदाहा प्रखंड के रंगपुरा के जयकृष्ण स्टेडियम में चल रहे जय नारायण यादव T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कोड़ा बनाम रंगपुरा के बीच खेला गया, जिसमें रंगपुरा की टीम ने 20 ओवर में 264 रन का स्कोर खड़ा कर कोड़ा की टीम को जीत के लिए 265 रन का लक्ष्य दिया। खबर मोतिहारी से है। चौड़ादानो प्रखंड में सब जूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रखंड क्षेत्र में कई विद्यालय के चयनित छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सभी विजयी प्रतिभागियों को वीडियो अरविंद गुप्ता ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। वीडियो ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों की प्रतिभा निखरती है, खेल से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। रक्सौल प्रखंड में लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत से कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को मिला। पार्टी की जीत की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर मिठाई बांटी और पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। यूथ कांग्रेस के सचिव अखिलेश दयाल ने कहा कि इस रिजल्ट के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय है। तुरकौलिया प्रखंड के गांधी घाट पैक्स भवन में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन दिलीप यादव का पैक्स अध्यक्षों ने भव्य स्वागत किया।
इस मौके पर चेयरमैन दिलीप यादव ने कहा कि जिस विश्वास के साथ हमको यहां के पैक्स अध्यक्षों ने चेयरमैन चुना है। छोड़ादानो प्रखंड के बिशनपुरवा गांव में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से विस्फोट हो गया, जिसमें घर में रखे रुपए, कपड़े, अनाज समेत लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लोगों ने बताया कि धमाका इतना जोर हुआ कि आसपास के लोग कुछ समझ नहीं पाए। घर में लगी आग की लपटों और पीड़ित परिवार के शोरगुल के बाद पहुंचे ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। खबर मुंगेर से है। कष्टहरणी घाट पर बने श्री कृष्ण वाटिका में ब्रह्मर्षि चेतना संघ द्वारा बिहार के पहले मुख्यमंत्री और मुंगेर जिला परिषद के अध्यक्ष रहे बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सभी लोगों ने सर्वप्रथम बिहार केसरी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। ब्रह्मश्री समाज के विचारक नंद किशोर सिंह ने कहा कि केसरी समझदारी, वफादारी, ईमानदारी का प्रतीक है। टेटिया बंबर में प्राथमिक विद्यालय पडेरिया में एक अभिभावक शराब पीकर पहुंचा और विद्यालय में जमकर हंगामा किया। इससे आक्रोशित छात्र छात्राओं ने थाने का घेराव किया। इस घटना के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर बच्चे वापस स्कूल लौटे। जानकारी के मुताबिक पढ़ेरिया गांव के रहने वाले विशुनी मांझी और उनकी पत्नी कुंती देवी बीते दिन दोपहर को स्कूल पहुंचे और प्रभारी प्रिंसिपल से अपने बच्चे का बैंक खाता खुलवाने को लेकर बातचीत करने लगे। संग्रामपुर प्रखंड के कीर्तियानंद विद्या मंदिर उच्च विद्यालय कुमार सार में शिक्षक विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह में विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि वो इस उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक निरंजन कुमार सिंह और सहायक शिक्षक वरुण कुमार राय की विदाई सम्मान समारोह में भाग लेने आए हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ निधि ने जिले में खेल को बढ़ावा देने के लिए कंपनी गार्डन में फुटबॉल खिलाड़ियों को जर्सी दी। वहीं इस मौके पर जिलाध्यक्षों ने कहा कि जिले में ऐसे प्रतिभावान और गरीब खिलाड़ी हैं जो खेलने में महारत हासिल किए हैं। बता दें कि खिलाड़ियों के पास खेलने के लिए कपड़े नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस मौके पर 24 से ज्यादा फुटबॉल खिलाड़ियों को जर्सी दी गई। संग्रामपुर प्रखंड में पौधा उत्पादन का 45 दिन चलने वाले आवासीय किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी राजा राम केसरी, परियोजना निदेशक आत्मा मुंगेर एबी सिंह ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक श्री सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से उन्हें प्रशिक्षित कर स्वावलंबी बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती कर आत्मनिर्भर बनने के साथ ही उनकी आमदनी भी दोगुनी हो जाएगी। टेटिया बंबर प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय बनगामा में बीते दिन बिहार सब जूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन बीआरपी दिलीप कुमार ने किया। बता दें कि कई खेलों का इसमें आयोजन किया गया। 100 मीटर बालिका दौड़ में नेहा कुमारी, 400 मीटर दौड़ में मौसम कुमारी, 400 मीटर रिले दौड़ में प्रियंका कुमारी, कबड्डी में प्रीति कुमारी, पेंटिंग में खुशी कुमारी और प्रियंका कुमारी विजेता रहे। छपरा जंक्शन से लोकोमोटिव कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। मांझी थाना अध्यक्ष द्वारा सदर अस्पताल के एक डॉक्टर को फोन कर गाली गलौच देने के मामले में दोनों पक्षों में एसपी के हस्तक्षेप से सुलह हो गई। मतलब कि सनौली में अल्पसंख्यक कल्याण संस्था ने सैकड़ों गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। कंबल मिलने से गरीबों ने संस्था को धन्यवाद दिया। वृद्धावस्था पेंशन में सुधार के लिए अमनौर के जयप्रभा केंद्र पर पूर्व विधायक कृष्ण कुमार मंटू सिंह ने इन कागजातों को दुरुस्त करवाया। रेल चक्का कारखाने के निकट स्कॉर्पियो और इनोवा गाड़ी में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें दो लोग घायल हो गए। वहीं स्कॉर्पियो में 7 कार्टन शराब भी बरामद हुई, जिसे दुर्घटना के बाद तस्करों ने छोड़ दिया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मशरख थाना क्षेत्र के जजौली गांव में दो पक्षों के बीच हुई चाकूबाजी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सहरसा से खबर है, जहां जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के राम जानकी क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों को सरडीहा पंचायत के ग्रामीणों ने सम्मानित किया। सहरसा के कनरिया ओपी पुलिस ने लूटकांड में एक शातिर बदमाश मुकेश यादव को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपी पर मामला दर्ज है।
सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर मुख्य बाजार में रहने वाले एक पत्रकार की मां विद्या देवी का निधन हो गया। वो एक धर्मपरायण महिला थी। उनके निधन पर लोगों में संवेदना व्यक्त की। सिमरी बख्तियारपुर में डीडीसी नवदीप शुक्ला ने पीएम आवास योजना शिविर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सहरसा जिले के आरन गांव में अज्ञात अपराधियों ने 45 साल के लक्ष्मण को सिर में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब देर रात लक्ष्मण अपने दरवाजे पर सो रहे थे। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी रहती है, जिससे अफरातफरी का माहौल रहता है। ग्रामीणों ने काउंटर बढ़ाने की मांग की है। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज प्रखंड के देहट पंचायत के पूर्व मुखिया वीर बहादुर सिंह के निधन के बाद पूर्व सांसद लवली आनंद ने परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दो लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। सहरसा जिले के बैजनाथपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक बंद पड़े चावल मिल से 16 कार्टन शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दूसरा कारोबारी मदन यादव अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दरभंगा के बिरौल में सुपौल बस स्टैंड समेत कई स्थानों पर जाम की समस्या से परेशान रहे लोग, इस जाम में घंटों फंसे रहे लोग। किरतपुर में सहारा कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच बीते दिन राजा 11 और रतन 11 के बीच खेला गया, जिसे राजा 11 ने कप पर कब्जा जमाया। विजेता टीम को कप और राशि देकर सम्मानित किया गया। केवटी में नशे की हालत में एक पिकअप सवार ने बुजुर्ग महिला को मजिगामा गांव में जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरभंगा के केवटी में मुख्य अतिथियों का स्वागत स्कूल प्रबंधन ने पाग चादर देकर किया। मौके पर सीओ और थाना अध्यक्ष ने बच्चों को कठिन परिश्रम करने की सलाह दी। केवटी में छोटे छोटे बच्चों ने किया देशभक्ति गीतों पर जबरदस्त डांस, लोगों ने डांस का लुत्फ उठाया। बेनीपुर अनुमंडल गेट के पास कई मांगों को लेकर आशा और ममता कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री अरुण जेटली का पुतला दहन का प्रदर्शन किया। बेनीपुर में मध्य विद्यालय हनुमान नगर में शिक्षक इंद्रमोहन झा की छुट्टी के दिन पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। उन्हें चादर और माला से सम्मानित कर भावभीनी विदाई दी गई। बेनीपुर प्रखंड के 15 पंचायतों ओडीएफ के लिए बैठक हुई। प्रशिक्षु आईएएस सह बीडीओ विजय प्रकाश बीड़ा ने कहा कि 31 मार्च तक बेनीपुर को किया जाएगा ओडीएफ। जाले के पकटोला में आयोजित क्रिकेट कप टूर्नामेंट के फाइनल मैच में पकटोला 5 विकेट से हराया। विजेता और उपविजेता टीम को विधायक जीवेश कुमार ने कप देकर सम्मानित किया। केवटी में बीडीओ तौकीर हाशमी ने छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। केवटी थाने में पदस्थापित 2 पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए। उनको भावभीनी विदाई देकर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बीडीओ सीओ सर्कल इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष पत्रकार मौजूद रहे। केवटी में दड़ीमा पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में छात्र छात्राओं ने दहेज प्रथा बाल विवाह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय गीत झिझिया समेत कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मौके पर बीडीओ सीओ थानाध्यक्ष बीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। केवटी प्रखंड में एनएच 105 पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और 2 पहिया वाहनों के कागजात की जांच की गई। इस दौरान कई वाहनों का चालान भी काटा गया। गौड़ा बौराम प्रखंड खेतों में लगे मक्के की फसल पीली पड़ने लगी है, जिससे किसान काफी परेशान है। किसानों को फसल के बर्बाद होने की चिंता सताने लगी है। बथनाहा प्रखंड में जिला पार्षद भवन जर्जर हो चुका है, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। ममता देवी ने बताया कि बैठक में इसके लिए प्रस्ताव दिया गया है, अनुमोदन के बाद भी इसकी मरम्मत कराई जाएगी। परसौनी प्रखंड के देमा पंचायत में स्वास्थ्य सुविधा की हालत काफी खराब है। यहां कभी भी कोई कर्मचारी नहीं आता है और शिकायत के बाद भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। डुमरा प्रखंड के लगमा गांव में जर्जर तार के सहारे बिजली की सप्लाई की जा रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा है। हसनगंज प्रखंड क्षेत्र के रामपुर गांव में बांस के सहारे बिजली के तार लग गए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने विभाग से पोल हटाने की मांग की है। फलका प्रखंड में गोविंदपुर पंचायत में 7 निश्चय योजना के तहत सड़क और नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। मुखिया संघ के अध्यक्ष और मुखिया ने संघ संयुक्त रूप से इसका शिलान्यास किया।
बलका में चिकित्सा प्रभारी ने संकल्प सभा आयोजित कर जिले को कुष्ठ रोग से मुक्त करने का संकल्प लिया। संकल्प सभा में पहले कुष्ठ रोग विस्तार से चर्चा की गई। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के मिस्ट्रोलिया गांव में वृद्धाश्रम का उद्घाटन सांसद अजय निषाद ने किया। मुजफ्फरपुर में मड़वन प्रखंड के गोरियारा गांव में लोक चेतना दल की बैठक हुई। बैठक में कमेटी का विस्तार किया गया और बूथ लेवल कमेटी बनाने पर चर्चा हुई। सुपौल जिले के वीरपुर में एसएसबी जवानों ने 110 बोतल शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। जवानों ने बताया कि आरोपी नेपाल से शराब की खेप लेकर आ रहे थे, इस दौरान इन्हें पकड़ा गया। रोसड़ा थाना के भटोतर गांव में कुछ मंचलों ने एक छात्रा के साथ छेड़खानी की। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने रोसड़ा थाने का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। बघा एक प्रखंड के झारमोही में मरा सार्वजनिक शौचालय जर्जर हो चुका है। स्थानीय लोगों ने इसकी मरम्मत कराने के लिए और फिर से चालू करने की मांग की है। फारबिसगंज के रानीगंज में पुलिस ने 5 वारंटियों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी कई महीनों से फरार चल रहे थे। सवरेजी पंचायत के नरैनिया में गांव को ओडीएफ बनाने के नाम पर मजाक किया जा रहा है। हथुआ प्रखंड के बरवा में उपनहर में सफाई और चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। पालीगंज थाने के पूर्वी फतेहपुर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से मुर्गी फार्म में आग लग गई। विक्रम थाने के बलियारी गांव के पास सड़क किनारे एक बच्ची का शव बरामद किया गया। रानीतालाब थाने के जीतन छपरा गांव में आपसी विवाद में दो भाइयों के बीच हुई मारपीट में 3 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के मखदूम चक गांव में एक गिट्टी लदा ट्रक पुलिया पर पलट गया, जिससे चालक और खलासी मामूली रूप से घायल हो गए। विक्रम प्रखंड के बागकोल गांव में कृषि वैज्ञानिकों ने हैप्पी सीडर से गेहूं बुआई के 60 दिन बाद फसल का निरीक्षण किया। पालीगंज प्रखंड के जरखा और आसपास के गांव में खेत खलिहान में नहर का तटबंध टूटने से पानी और भर गया है। किसान ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजा देने की मांग की है। अरवल जिले के खजूरी पंचायत के नेवना टोल गांव में जीविका दीदी और मुखिया ललिता देवी ने कई महिलाओं के साथ मिलकर गांव में जावा महुआ और बीसीटर जैसे शराब को नष्ट किया। महिलाओं ने गांव में घूम घूमकर शराब कारोबारियों के खिलाफ नारे लगाए। खबर पलामू से है, जहां परिषद क्षेत्र 12 लोटा उत्तरी के दलित परिवार के बीच जाकर राणो देवी ने एक गरीब लड़की कपड़ों और 10,000 रुपए की मदद की। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से बीजेपी जिला कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। कंडा पंचायत में कंडा निवासी स्वतंत्रता सेनानी कशेश्वर विश्वकर्मा की तृतीय पुण्यतिथि मनाई गई। डाल्टनगंज सदर थाने में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पांडु प्रखंड के ग्राम टीसीबार कला में संत शिरोमणि श्री रविदास जी की 641वीं जयंती समारोह के मौके पर भोजपुरी दोगला का आयोजन किया गया। नव बाजार थाना परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सेवानिवृत्त थाना प्रभारी रामधार चौधरी को पलामू डीएसपी हीरालाल रवि ने शॉल उड़ाकर सम्मानित विदाई की। खबर कोडरमा से है, डोमचांच प्रखंड में शर्म करो शौचालय बनाओ अभियान के तहत डीडीसी ने प्रखंड के कई घरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुखी संपन्न परिवारों शौचालय बनाने की अपील की। कोडरमा के जयनगर प्रखंड में चेहाल पंचायत की मुखिया अंजू देवी ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया। कोडरमा के जयनगर प्रखंड के करियावा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप का वितरण किया गया। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चंदवारा अंचल कमेटी का अंचल सम्मेलन का आयोजन किया गया। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के बेंदी पंचायत भवन में शिविर का आयोजन कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 147 लाभुकों के बीच निःशुल्क गैस कनेक्शन और चूल्हे का वितरण किया गया। कोडरमा के चंदवारा प्रखाना क्षेत्र के में अवैध रूप से स्टोन से लदे 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर बतौर दंडाधिकारी नियुक्त चंदवारा सीओ मोहम्मद मुजाहिदीन अंसारी ने ट्रैक्टर चालकों से स्टोन से जुड़े कागजात मांगे तो किसी के पास कागजात नहीं मिले। खबर बोकारो से है, जिले के कसमार प्रखंड के दुर्गापुर पंचायत में इन दिनों अवैध माइनिंग का खेल जोरों पर है। बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के चंद्रपुरा पश्चिमी पंचायत की महिला ने खुद ही शौचालय बनाने की हुनर सीखकर शौचालय निर्माण का काम शुरू कर दिया है। शौचालय निर्माण के जरिए महिला जागरूकता का काम कर रही है। बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड के तेनुघाट पंचायत में पर्यटकों के घूमने की जगह है, लेकिन स्थल की देखरेख नहीं हो पाती है। गढ़वा के कांडी प्रखंड में कोयल नदी पर पुल के अप्रोच रोड को लेकर ग्रामीणों ने बनाई सहमति।
नगरउटारी के पतिहारी गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में गुड्डू राजवर की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। नगर उटारी को ओडीएफ करने के लिए बीडीओ मुरली यादव ने शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने को लेकर लगातार ग्रामीणों के साथ बैठक की। रंका अनुमंडल पदाधिकारी के पास जनप्रतिनिधियों ने बालू की समस्या के बारे में अवगत कराया। रंका प्रखंड के खरडिया पंचायत में शौचालय का निर्माण तो कराया गया लेकिन इसका लाभ किसी को नहीं मिल पाया। डंडा प्रखंड के ग्रामीणों ने किरासन तेल देने वाले डीलर पर कार्रवाई करने की मांग की है। मझियाव प्रखंड के बाजूडीह स्थित कोयल नदी पर बालू घाट के संचालन को लेकर एसडीओ की आम सभा में ग्रामीणों ने हंगामा किया। कांडी प्रखंड के सतबहिनी झरना तीर्थ से 17वें मानस महायज्ञ की विराट कलश यात्रा निकाली गई। नगर उटारी के बंशीधर नगर प्रखंड में राष्ट्रपिता की तस्वीर को कबाड़ में फेंक दिया गया। वीडियो ने कहा कि महापुरुषों की तस्वीर उचित जगह पर रखी जानी चाहिए और अगर पंचायत सचिव ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रंका प्रखंड के खरडिया पंचायत के तेनू डी में पक्की सड़क नहीं है जिसके कारण लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना था कि मुखिया सिर्फ वोट के समय हम लोगों को भरोसा देते हैं और जीत जाने के बाद कुछ नहीं करते। धुरकी में पुलिस ने बालू माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए अवैध रूप से बालू उठा रहे आधा दर्जन ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। मडरिया थाना क्षेत्र के चपिया जंगल में वन अधिकारियों ने छापा मारकर शिकारियों से बंदूक बरामद की। रमना में झारखंड छात्र मोर्चा की एक बैठक हुई। बैठक में विभिन्न छात्र संगठनों से 40 सदस्य झारखंड मोर्चा छात्र मोर्चा में शामिल हुए। रंका प्रखंड के सलैया गांव में सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। मिराल प्रखंड के लातदाग गांव के डीएवी पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर डीआईजी ने कहा कि लातदाग जैसे सुदूरवर्ती इलाके में विद्यालय खोलना एक महत्वपूर्ण निर्णय है। कांडी प्रखंड के लमारी कला में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। कांडी थाना क्षेत्र के सड़क की गांव में एक शख्स के खाते से फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया। पाकुड़ में नवविवाहिता महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। सरायकेला में सिद्धिविनायक स्पंज आयरन कंपनी पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगा है। इसी मामले को लेकर ग्रामीण कई बार सिद्धिविनायक स्पंज आयरन कंपनी के परिसर पर उत्पात मचा चुके हैं। धनबाद स्टेशन के पार्सल विभाग में भारी गड़बड़ी की शिकायत सामने आ रही है। सीनियर डीसीएम आशीष झा समेत रेल के अन्य अधिकारियों ने धनबाद रेल मंडल के सभी स्टेशन पर 72 घंटे का स्पेशल ड्राइव चलाया। रांची में एक झोपड़ी में आग लग गई, पूरी झोपड़ी जलकर राख हुई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ध्रुआ थाना क्षेत्र के शालीमार बाजार के पास लगी आग। कुंडली प्रखंड के सिवी लिबोना तालाब में एक अज्ञात शख्स का शव बरामद। एसपी जया राम ने नाला थाना क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। नारायणपुर प्रखंड के बगरूडी में 5 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। नारायणपुर प्रखंड के मुरली पहाड़ी में पुलिस ने एक युवक को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पाकुड़ के सदर प्रखंड में डीसी दिलीप कुमार झा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के बटकियारी गांव में बीजेपी ने एक बैठक की। सतपरवा प्रखंड के महावीर चौक बाजार में एलिट पब्लिक स्कूल ने कैंप लगाकर नामांकन किया। तरहसी प्रखंड में बीजेपी नेता अमित तिवारी के नेतृत्व में महिलाओं को खादी और चरखा का प्रशिक्षण दिया गया। पिपरा प्रखंड क्षेत्र के गहोरा यादूडीह गांव में हाथियों का झुंड पहुंचने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मनातू प्रखंड परिसर में जागरूकता और उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन वीडियो रवि प्रकाश ने किया। सिमडेगा के रेंगारे थाना क्षेत्र में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्यारा प्रेमी मौके से फरार हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, दीजिए इजाजत।